मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने सीजन 2021-22 के लिए बाजरे की MSP 2250 रुपए प्रति क्विंटल तय की है। लेकिन देश के चौथे सबसे बड़े बाजरा उत्पादक राज्य हरियाणा में किसान इसे सिर्फ 1100 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल पर बेचने के लिए मजबूर हैं। इसी सप्ताह सोनीपत की खरखौदा मंडी में एक किसान ने 1121 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अपनी फसल बेची, जबकि राज्य के CM मनोहर लाल खट्टर आए दिन खुद को किसान हितैषी होने का दावा करते रहे। दरअसल राज्य के ऐसे हालातों की वजह से ही कुछ किसान नेताओं को केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून पर सवाल उठाने का मौका मिल रहा है। हरियाणा में बाजरा की खेती करने वाले किसानों के ऐसे हालात तब हैं जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री खुद मोटे अनाजों को लोकप्रिय बनाने की दिशा में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब किसानों को MSP का आधा पैसा ही मिलेगा तो मोटे अनाज कौन पैदा करेगा? ऐसे में किसानों की आय दोगुनी कैसे ही हो पाएगी? केंद्र सरकार ने प्रति क्विंटल बाजरा पैदा करने की लागत 1213 रुपए बताई है, लेकिन ये C2 कॉस्ट नहीं बल्कि A2+FL लागत है। इस लागत में किसान की ओर से ये किया गया सभी तरह का भुगतान, चाहे वो कैश में हो या किसी वस्तु की शक्ल में, जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी, ईंधन, सिंचाई का खर्च आदि, और परिवार के सदस्यों द्वारा खेती में की गई मेहनत ताना का जोड़ा होता है। यानी कि किसानों को इस लागत से भी कम पैसा अभी बाजरे का मिल रहा है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP के एक अधिकारी के मुताबिक हरियाणा में बाजरा की C2 कॉस्ट 1778 रुपये प्रति क्विंटल है। इस तरह यहाँ के किसान भारी घाटा सहकर अपनी फसल बेच रहे हैं। C2 कॉस्ट के तहत खाद, बीज, पानी के दाम के साथ ही कृषक परिवार की मजदूरी, स्वामित्व वाली जमीन का किराया और पूंजी पर ब्याज भी शामिल होता है। हरियाणा सरकार ने बाजरा पर भावांतर भरपाई योजना लागू कर दी है, यानी बाजरे के औसत बाजार भाव और MSP के अंतर को भावांतर माना जाएगा। जो किसान मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पैसा सरकार देगी। अब सोचिए कि अगर 1121 रुपये प्रति क्विंटल का दाम मिल रहा है और सरकार ने 600 अपने पास से भी दे दिए तो उसे सिर्फ 1721 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिला, जो ना सिर्फ MSP जो कि 2250 है उससे काफ़ी कम है, बल्कि यहाँ की C2 लागत 1778 रुपये प्रति क्विंटल से भी कम है। खरीफ सीजन 2021 में बाजरे के लिए 2.71 लाख किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर रजिस्टर करवाया था। लगभग 8,65,000 एकड़ भूमि पर बाजरे की फसल का सत्यापन हुआ है। दक्षिण हरियाणा में बाजरे की फसल सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार ने सिर्फ 25% फसल ही MSP पर खरीदने का ऐलान किया है, इसलिए ज़्यादातर किसानों को MSP नहीं मिल पाएगी। रूरल एंड अग्रेरियन इंडिया नेटवर्क रेन के अध्यक्ष कहते हैं कि बाजरे के लिए किसानों को कायदे से कम 2250 रुपये क्विंटल तो मिलना ही चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से हरियाणा में इसका आधा ही मिल पा रहा है। जिस भावांतर स्कीम से भरपाई का दावा किया जा रहा है, क्या वो पैसा इतनी आसानी से किसान को मिल जाएगा और क्या 600 रुपये प्रति क्विंटल की रकम भरपाई के लिए काफ़ी है? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। हरियाणा में बाजरा का मूल्य 1121 रुपये क्विंटल मिल रहा है, उसके हिसाब से तो भावांतर की रकम 1200 रुपये प्रति क्विंटल होनी चाहिए, तब जाकर किसान को MSP जितना पैसा मिल पाएगा। दाम के मामले में किसानों से होने वाली इसी तरह की लूट को रोकने के लिए MSP पर खरीद की गारंटी का कानून मांगा जा रहा है। खट्टर सरकार बाजरा उत्पादन कम करवाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके लिए बाजरा की फसल छोड़ने पर वो किसानों को 4,000 रुपये प्रोत्साहन दे रही है। केंद्र सरकार की खरीद रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में यहाँ 1,00,000 टन बाजरा को MSP पर खरीदा गया था, लेकिन 2020-21 में यह घटकर सिर्फ 75,000 टन रह गया। बता दें कि हरियाणा में देश का लगभग 10.64% बाजरा पैदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।